वाल दोस्तों, टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दी बेस्ट साइकिल्स अंडर 7000 रुपीज इन इंडिया 2024। वैसे अगर आप इस वीडियो को 2025 में भी देख रहे हो ना, तब भी ये लिस्ट वैलिड है। इस वीडियो में मैं आपको जो 5 बेस्ट साइकिल्स बताने वाला हूँ ना अंडर 7000, इसमें मैंने हर एक बंदे का ध्यान रखा है। लाइक आपको सिंगल स्पीड साइकिल चाहिए विदाउट गियर वाली, आपको 7 स्पीड गियर साइकिल चाहिए, या फिर आपको 21 स्पीड गियर साइकिल चाहिए। हर टाइप की साइकिल मिलेगी, ऑल्सो डुअल डिस्क भी सभी में मिल जाएगा। अभी साइकिल लेने से पहले ना, वन इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दैट इज हाइट। अगर आपकी हाइट 5 फीट से लेके 5.10 फीट तक है, देन आपको 26T यानी 26 इंचेस टायर साइज के साथ जाना चाहिए। फ्रेम साइज भी मैटर करता है, बट वो इतना ज्यादा नहीं करता जितना टायर साइज मैटर करता है। ऑल्सो अगर आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा है 5.4-5.5 फीट तक, देन आप 27.5T टायर साइज के साथ जा सकते हो। लास्टली अगर आपकी हाइट 5.5 फीट से लेकर 6.3 फीट तक टच करती है, देन आपको 29 इंचेस टायर साइज के साथ जाना चाहिए। बाकी तो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताई दूंगा। अपनी सीट की पेटी बांध लो, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ गाइज, अगर आप पीटर ट्रैप पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइकिल के ऊपर ना काफी सारी वीडियोस आने वाली है जो अभी लाइनअप में। गाइज वीडियो में नंबर 5 पे जो साइकिल आती है ना, ये है वेस्को की तरफ से ड्रिफ्ट 26 इंचेस सिंगल स्पीड साइकिल। अब जैसे कि इसका नाम है, ये एक MTB साइकिल है। वैसे साइकिल का जो टायर साइज है वो 26 इंचेस का है, लेकिन हाई ट्रैक्शन नायलॉन टायर्स है इसके, जिनकी ग्रिप कम्प्लीटली MTB वाली है। अब ये साइकिल ना काफी लो बजट में आती है, बट आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं आगे एंड पीछे, साथ के साथ आपको पावर ब्रेक्स लगाने के लिए ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो अगर आपको पावर ब्रेक्स वगैरह लगाने हैं वो भी लगा सकते हो। आपको 18 इंचेस का फ्रेम देखने को मिल जाता है। इसकी जो रिम्स है वो स्टील रिम्स आती है, एलॉय नहीं आती। साथ के साथ ये जितने लो बजट में आती है ना, उसमें आपको सस्पेंशन फोर्क मिल जाता है इसके अंदर। बाकी तो वही जो कलर्स है ना इसमें, एक तो ग्रे कलर मिलता है एंड एक आपको मिलता है ब्लैक कलर। जो ब्लैक वाला है ना, वो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना ब्लैक व्हाइट एंड येलो का, वो अलग ही फील देता है। ये साइकिल 85% असेंबल्ड आती है। बात करें सैडल की, तो वो आपको क्विक रिलीज ऑप्शन के साथ मिलती है, जहां पे आप खोल के उसको ऊपर नीचे कर सकते हो सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। सीट के अंदर कंफर्ट भी काफी ठीक ठाक आता है बजट को ध्यान में रखते हुए। बात करूं इस साइकिल के प्राइस की, तो ये साइकिल आपको देखने को मिलेगी फिक्स 5000 रुपीस में, एंड लिटरली अंडर 7000 रुपीस के बजट की साइकिल है ये। अभी इसका प्राइस कम हो गया है 5000 रुपए में। इससे बेहतर कोई सी भी साइकिल नहीं मिल सकती आपको नॉन गियर में। अगर आपकी हाइट कम है, डेफिनेटली चेक दिस आउट। Now guys, here comes the fourth one, जो कि आपको अगेन सिंगल स्पीड वाली ही मिलती है। ये वाली जो साइकिल है, लीडर बीस्ट देखने को मिल जाती है आपको। 27.5T वेरिएंट है, इसमें 26 भी आता है। यहाँ पर जो साइकिल मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, ये गियर वाली है, जिसका रिव्यू अभी कुछ ही दिनों पहले किया है मैंने। बट जो पर्टिकुलर साइकिल की लिंक मैं आपको दूंगा, वो नॉन गियर है, जो अंडर 7000 में आती है। सिर्फ गियर्स को हटा दो, बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलेगी साइकिल में। लाइक डुअल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे, जो सीट पोस्ट है वो लिटरली काफी ज्यादा सॉफ्ट आता है। अभी तो मेरे को 3-4 महीने नहीं हो चुके हैं इसको यूज करते हुए। बाकी जो साइकिल के फ्रेम के ऊपर ग्राफिक्स हैं, वो भी अलग ही फील देती है। आपको टिक वेल्डेड फ्रेम मिलता है इसका, बोतल होल्डर एंड मडगार्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पर हमें सस्पेंशन भी देखने को मिल जाता है साइकिल में। बाकी क्विक रिलीज बटन तो है ही सीट के लिए। इसके अलावा भाई, जो इसके टायर्स है कम्प्लीटली आपको MTV टाइप के देखने को मिलते हैं। जो रिम है इसकी, वो सिंगल वॉल स्टील रिम देखने को मिलती है। ये जो साइकिल है ना, मिनिमम राइडर हाइट 5.8 फीट का बोलते हैं, बट अगर आपकी हाइट 5.5-5.6 फीट तक भी है, आप चला सकते हो आराम से सीट को नीचे करके, एंड मैक्सिमम राइडर हाइट 6.4 फीट तक जाती है। साथ के साथ जो फ्रेम साइज है वो आपको 19 इंच देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ऊंचा आता है। ये जो साइकिल है आपको 5500 रुपीस में देखने को मिलती है फिलहाल। नॉर्मली इसका प्राइस 6000 रुपीस के आसपास रहता है। सिंगल स्पीड में अगर आपकी हाइट कम है, तो इस वाली साइकिल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिटरली काफी बढ़िया वैल्यू निकाल के देती है। नाउ गाइस, हियर कम्स द थर्ड वन। ये जो साइकिल है ना, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर आपको 29 इंच के टायर्स देखने को मिलते हैं। ये है क्रेडियक की तरफ से इनकी एक्सप्लोरल 29 इंचेस वेरिएंट। अब ये जो साइकिल है, अगेन सिंगल स्पीड आती है। इसके टायर्स भी आपको MTB टायर्स देखने को मिलते हैं। आप ट्रैकिंग कर सकते हो इस साइकिल से, बाकी ऑफ रोड भी चला सकते हो। इस साइकिल का जो बिल्ड है ना, वो बाकी दो से काफी बेहतर निकल के आता है। आपको डबल वॉल एलॉय रिम्स देखने को मिल जाती है, तो रिम के अंदर बैंड वैंड के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। क्विक रिलीज सीट पोस्ट मिलता है इसका। यहाँ पर आपको जो फ्रेम साइज है 18.5 इंचेस का मिलता है, जो कि हाई टेंसिल स्टील फ्रेम आता है। अच्छी बात यह है, इस साइकिल में भी सस्पेंशन फोर्क आ जाता है। साइकिल के ग्राफिक्स काफी बढ़िया आते हैं। ऑल्सो यहाँ पर आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे आगे एंड पीछे, साथ में सस्पेंशन फोर्क भी मिल जाता है इसमें। इस साइकिल के प्राइस की बात करूं, तो ये आपको 7800 रुपीस के आसपास कॉस्ट करती है, एंड लगभग प्राइस का इतना ही रहता है। अब यार आप लोग कहोगे कि ये अंडर 7000 रुपीस की लिस्ट है हमारी, बट ये साइकिल आप नियरली 8000 रुपए की बता रहे हो। गाइज, अगर आपको ट्रूली एक सिंगल स्पीड साइकिल चाहिए जिसका बिल्ड फॉरएवर हो एंड मजा
ही आ जाए आपको चलाने में। तो अंडर 8000 रुपए तक भी इससे बेहतर कोई सिंगल स्पीड साइकिल नहीं है जिनकी हाइट ज्यादा है उनके लिए। तो भाई अपने पापा के पैसे चुराओ या गुल्लक तोड़ो या दोस्त से उधार मांगो, 800 रुपए ज्यादा में ये वाली साइकिल परचेज कर लो। नाउ गाइस हियर कम्स द सेकंड वन, जो कि आपको अर्बन टायरन की गैलेक्सी मैक्स 26 इंचेस वाली वेरिएंट मिल जाती है। ये आती है 7 स्पीड गियर्स के साथ, जहां पर आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। सेम वही आपको आगे की तरफ सस्पेंशन फॉग देखने को मिलेगा। जो वेरिएंट मैं बता रहा हूं वो व्हाइट कलर में आता है, बाकी इसके और भी काफी सारे वेरिएंट्स आपको Amazon पे देखने को मिल जाएंगे। लिंक डाल दी है वैसे मैंने सारी साइकिल्स की डिस्क्रिप्शन में। आपको इस साइकिल के साथ भी मड गार्ड्स देखने को मिल जाते हैं इन द बॉक्स। बाकी जो मैं बता रहा हूं ये व्हाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आती है, जिसको व्हाइट कलर की एक प्रीमियम लुकिंग साइकिल चाहिए वो इसको चेकआउट जरूर करना। इसके जो टायर्स हैं अगेन MTB कैटेगरी के आते हैं, 26 इंचेस के टायर्स हैं। अगर आपको ट्रैकिंग करनी है, ऑफ रोड चलानी है, साइकिल आराम से चला सकते हो। ब्रेक्स आपको डिस्क ब्रेक मिली जाते हैं, सीट पोस्ट भी एडजस्टेबल आता है। बाकी यहाँ पर आप फ्रेम साइज 17 इंचेस का आता है, सो दैट ये एक यूनिसेक्स साइकिल है। लाइक फ्रेम का साइज कम होने से ना फीमेल्स को भी प्रॉब्लम नहीं आती साइकिल चलाने में। प्राइस की बात करूं तो फिलहाल ये साइकिल आपको 6500 रुपीज में देखने को मिल जाएगी। 7 स्पीड गियर साइकिल चाहिए, हाइट कम है, इस वाले को चेकआउट कर सकते हो। नाउ गाइस हियर कम्स द लास्ट वन, जिनको 21 गियर्स की साइकिल चाहिए उनके लिए ये साइकिल। ये आपको मिलती है लीडर की तरफ से इनकी ग्लेडिएटर 26T वेरिएंट। ये साइकिल ना कंप्लीटली उन लोगों के लिए है जिनको एक ट्रूली MTB साइकिल चाहिए। मैं बताऊंगा क्यों। सबसे पहले साइकिल के अंदर आपको हार्टेक्स के एक्स्ट्रा एक्शन नायलॉन टायर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि 10,000 रुपए के आसपास की साइकिल्स में ही देखने को मिलते हैं। 2.40 इंचेस वाइड आते हैं एंड कम्प्लीटली MTB ग्रिप वाले टायर्स हैं, तो आप इससे ट्रैकिंग करो या ऑफ रोडिंग करो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे की तरफ आपको सस्पेंशन फॉग भी देखने को मिल जाएगा। 21 जो गियर्स हैं वो 7x3 कैसेट्स में, लाइक 7 कैसेट पीछे एंड 3 कैसेट्स आगे मिलती है। बिल्ड डेफिनेटली काफी स्टर्डी आता है, स्टील फ्रेम आता है जो कि टिग वेल्डेड आता है, ये आपको ग्रे कलर में देखने को मिलती है। अभी मैं आपको बोल रहा था ये सब साइकिल है कंप्लीटली उन लोगों के लिए जिनको स्टंट्स वगैरह करने हैं एंड फुल ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है, बिकॉज यहाँ पर ना आपको आगे की तरफ मिलता है डिस्क ब्रेक 6 बोल्टेड एंड पीछे की तरफ आपको पावर ब्रेक्स मिल जाते हैं। अब पावर ब्रेक्स ना डिस्क ब्रेक से ज्यादा बेटर होते हैं अगर आपको लॉन्ग रूट ना कवर करके ट्रैकिंग वगैरह इस टाइप के काम करने हैं। इस साइकिल के प्राइस की बात करूं तो फिक्स 7000 रुपीज में मिल जाएगी आपको। ये साइकिल भी मैक्सिमम 6 फीट तक सपोर्ट करती है, तो अगर आपकी 5 फीट से लेके 6 फीट तक है आराम से आप चला सकते हो, बट 6 फीट में डेफिनेटली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा आपको। अभी बात करें पांचों में से कौन सी लेनी है, तो देखो बी क्लियर, अगर 21 गियर्स की साइकिल लेनी है आप लीडर ग्लेडियर के साथ जा सकते हो। 7 स्पीड गियर्स में आप अर्बन टेरन के साथ जा सकते हो। इसके बाद बात करें सिंगल स्पीड टायर्स में, अगर आपकी हाइट ज्यादा है 5.5 फुट से ज्यादा है 5.6 5.7, देन आप क्रेडियक वाली ले सकते हो 29 इंचेस में। और अगर आपकी हाइट 6.4 फीट तक भी है ना तो भी वो साइकिल आराम से सपोर्ट करेगी। बट अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है आप लीडर 20 27.5T के साथ जा सकते हो, वो साइकिल भी डेफिनेटली काफी अच्छी है जिस बजट में आ रही है। लास्टली आती है वेस्को ड्रिफ्ट, जिसका बजट बिल्कुल कम है बट उसको वैल्यू मैक्सिमम चाहिए उसमें और हाइट भी कम है, 26T टायर साइज है वो, देन वो वेस्को की ड्रिफ्ट ले सकता है। बाकी भाई कैसी लगी ये वीडियो बताना नीचे कमेंट्स में। अगर आपका बजट ज्यादा है देन अंडर 10,000 रुपीज की वीडियो मैं डाल चुका हूँ चैनल पे या कहीं साइड में आ रहा होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।